नमस्कार, मैं केएस राव हूँ, आपका सुडोको फ्रेंड। हाँ, तो देखिए मेरे पीछे आज जो दिख रहा है पज़ल, ये एक मुश्किल पज़ल है। इसे दरअसल मेरे को एक साहब ने मणिचंद्रा करके भेजे हैं। ये इस तरह के मुश्किल पज़लों को लेके अपना हेडेक क्यों लेते हो भाई? बल्कि उनको जवाब तो दे दिया मैं। उसके बाद देखा कि उसमें इस पज़ल के ज़रिए आपको कुछ अच्छे ट्रिक्स बता सकता हूँ, इसलिए मैं इसको फिर चुन लिया। तो मणिचंद्र साहब भी जो है इसको देख के खुश हो जाएंगे मेरे ख्याल में। तो इसमें जो है ये काफ़ी मुश्किल पज़ल है, लेकिन इसमें जो ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ उसको देखिए ख़ास करके। और इस तरह के पज़ल कहीं आपके सामने आया तो आसानी से हल कर सकते हो तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अपने दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है छोड़ो के पज़लों को लेकर के। ओके, तो चलते हैं वहाँ पर। तो ये है वो अपना मुश्किल पज़ल। देखिए इसको भी हम अपने तरीके से चालू करते हैं। ये जो टॉप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, यहाँ पर नंबर 1 एक बार दिखता है, नंबर 2 नहीं है, नंबर 3 भी एक ही बार दिखता है, 4 नहीं है, 5 भी एक बार है, 6 नहीं है, यहाँ पर नंबर 7 दो बार है, लेकिन यहाँ एक नंबर 7 है और यहाँ एक नंबर 7 है। तो इस बॉक्स को देखते हैं तो ये नंबर 7 लिखने के लिए 1, 2, 3 जगह मिलते हैं, तो नीचे कोई क्रॉस चेक नहीं है इसलिए छोड़ देते हैं इस वक्त। ओके, फिर नंबर 8 के लिए जगह मिलता है। देखिए नंबर 8 एक यहाँ पर है तो यहाँ रिपीट नहीं कर सकते, ये यहाँ जो 8 है यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकते। इस बॉक्स में नंबर 8 के लिए एक ही खास जगह मिलता है, देखिए ना यहाँ पर, तो लिख लेते हैं। तो उसके बाद नंबर 9 एक बार है। हाँ, तो इस स्ट्रिप को छोड़ने से पहले एक यहाँ पर एक खास ट्रिक बोलिए करना चाहिए, लगाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए मतलब। हाँ, तो देखिए यहाँ पर 1 और 9 इस रो में जो है इन दोनों नंबरों को एक साथ जो है यहाँ और कहीं यहाँ या तो यहाँ या यहाँ रिपीट नहीं कर सकते ना। इसी तरह यहाँ पर 1 और 9 इस कॉलम नंबर 2 में है तो 1 और 9 यहाँ भी रिपीट नहीं हो पाएंगे। तो इन दोनों नंबरों को हम इस बॉक्स में यहाँ A1 और B1 में एक जोड़ी बना करके हम रिजर्व कर सकते हैं, लिख लेते हैं। देखिए यहाँ नंबर 1 and 9 एंड 1 and 9 हीयर। ओके, तो उसके बाद देखिए ये 4 जगह हम भर देंगे क्या इसी वक्त के, भर भी सकते हैं। ओके, यहाँ कौन से क्रॉस चेक्स हैं, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ चाहिए नंबर 2, 4, 5 and 6। यहाँ नंबर 6 है तो यहाँ पर 2, 4, 5 लिखते हैं, 2, 4, 5। यहाँ कोई क्रॉस चेक नहीं है, 2, 4, 5, 6 इन दोनों जगह में लिखना चाहिए 2, 4, 5, 6 2, 4, 5, 6 यहाँ भी 2, 4, 5, 6 2, 4, 5, 6। ओके, यहाँ कहीं क्रॉस चेक नहीं है। ओके, यहाँ कहीं इसका कोई फ़ायदा यहाँ पर कुछ भरने के लिए इस वक्त नहीं होगा क्योंकि यह कोई भी नंबर किसी एक रो में नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा, तो इसको देखिए ये 1 और 9 का जो जोड़ी हमने बनाया है इसकी तो इसकी वजह से नीचे कहीं यहाँ पर नंबर 9 रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ध्यान में रखिए। नंबर 9 को यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 9 है और यहाँ कोई क्रॉस चेक नहीं है इसलिए। ओके, नंबर 1 तो यहाँ कहीं भी यहाँ भी नंबर 1 रिपीट नहीं कर सकते, यहाँ नंबर 1 है, नंबर 1 यहाँ रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखते हैं, याद रखते हैं। तो उसके बाद और इस स्टेप को हम छोड़ देते हैं, फिर यहाँ आएंगे। देखिए यहाँ पर
नंबर वन एक बार है, टू एक बार है, तीन नहीं है, नंबर चार दो बार दिखता है लेकिन यहाँ यहाँ नहीं मालूम, पांच नंबर एक ही बार है, नंबर पांच नंबर है नहीं सॉरी, नंबर छः एक बार दिया हुआ है, नंबर सात एक बार नज़र आता है, आठ है नहीं, नंबर नौ दो बार है, तो यहाँ नंबर नौ के लिए एक जगह मिलता है। देखिए ना नंबर नौ यहाँ यहाँ रिपीट नहीं होगा, इस नंबर नंबर नौ की वजह से यहाँ रिपीट नहीं होगा, यहाँ पर एक नौ नंबर ऊपर क्रॉस चेक है, तो इस स्ट्रिप के लिए ये पहला नंबर नंबर नौ। ओके, तो अब आगे देखिए ना, ये एक दूसरा ट्रिक मान लीजिए ना, यहाँ नंबर टू एंड सेवन जो है ये दोनों नंबर यहाँ पर कहीं रिपीट नहीं होंगे ना, यहाँ तो नंबर टू एक नीचे है क्रॉस चेक, तो यहाँ फिर रिपीट नहीं हो पाएंगे नंबर टू और सेवन। ओके, पर इस बॉक्स को देखते हैं तो नंबर टू और सेवन के लिए ये दो खाने मिलते हैं, ठीक है ना। सो इसको हम भर लेते हैं टू एंड सेवन, ये बहुत ही मुख्य एंट्री है। ओके, तो अब इस बॉक्स को भर सकते हैं, यहाँ क्या चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, देखिए ना अपने को नंबर वन है, टू है, थ्री फाइव एंड एट चाहिए, थ्री फाइव एंड एट, तो लिख लेते हैं उसको भी, ऊपर नंबर पाँच दिख रहा है तो थ्री एंड एट, थ्री एंड एट, यहाँ तीनों नंबर थ्री फाइव एट एंड यहाँ नंबर आठ है, ये आठ को बराबर लिखते हैं। ओके, यहाँ जो आठ है यहाँ पर थ्री एंड फाइव लिखते हैं, थ्री एंड फाइव। ओके, अब देखिए देखिए इस डे रो डी को देखिए, इस वक्त है जस्ट ये ऊपर वन एंड नाइन का जो जोड़ी है इसकी तरफ से हम यहाँ नंबर वन लिख नहीं सकते, यहाँ नंबर वन जो है यहाँ लिख नहीं सकते, ये तीनों सेल थ्री एट फाइव एट के लिए हम रिजर्व कर चुके हैं, तो इस रो में नंबर वन के लिए एक ही एक जगह मिलता है डी नाइन में। देखिए इन ऐसे चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। ओके, तो अब इस रो को में दो ही जगह खाली हैं, वो कौन से नंबर के लिए, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर नहीं है और सिक्स भी नहीं है, दोनों के लिए नीचे ऊपर कहीं फोर एंड सिक्स का क्रॉस चेक नहीं है, तो हम उसको दोनों को एक जोड़ी बना के लिख लेते हैं, फोर एंड सिक्स, फोर एंड सिक्स। ओके, अब देखिए और अब यहाँ आइए, इस रो में, रो एफ में आइए। अब देखिए नंबर वन को फिर देखते हैं, नंबर वन वहाँ अभी लिखा है, इसकी तरफ से यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकते, यहाँ पर एक नंबर वन है, यहाँ पर ये जोड़ी में नंबर वन है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर नंबर वन लिखना चाहिए रो एफ में। ओके, फिर देखिए इस बॉक्स को देख रहा हूँ मैं, एक नंबर तीन यहाँ पर है तो यहाँ रिपीट नहीं कर सकते, यहाँ एक नंबर तीन है ऊपर में, यहाँ रिपीट नहीं कर सकते, तो इस बॉक्स में नंबर तीन के लिए एक ही एक जगह मिलता है, देखिए यहाँ पर ऐसे मिल गया ना, तो देखिए यहाँ नंबर तीन है, इस ट्रे में नंबर तीन है, यदि कहीं ऊपर नीचे यहाँ कहीं नंबर थ्री होता, यहाँ कहीं नंबर थ्री तो होता तो लिख ले सकते थे, अब वो सहूलत अपने पास नहीं है, ठीक है छोड़िए। तो यहाँ इस बॉक्स में तीन ही तीन जगह खाली है, देखिए इसको भर सकते हैं ना, कौन से नंबर चाहिए, नंबर टू चाहिए, फाइव चाहिए और एट चाहिए, टू फाइव एंड एट, यहाँ ऊपर नंबर आठ दिख रहा है तो यहाँ पर टू एंड फाइव लिखते हैं, और यहाँ कोई ऊपर नीचे कहीं क्रॉस चेक नहीं है, सो टू फाइव एंड एट, यहाँ टू फाइव एंड एट, यहाँ भी। ओके, तो अब इसको इस बॉक्स में चार नंबर हो गए, रहने दीजिए उसको, हमने इसको इस स्ट्रिप को बराबर देखा नहीं ना, और वन हो गया, टू ये इस जो ट्रे में जो है कुछ नहीं कर सकते, नंबर तीन एक ही बार है, नंबर चार यहाँ जोड़ी में लिख दिया हमने,
पांच यहाँ ट्रयो में है, कुछ नहीं कर सकते। नंबर छः एक ही बार है, सात भी एक बार है, आठ नंबर नहीं दिख रहा है, नंबर नौ तो कर लिया हमने, ओ ये हो गया। अब यहाँ देखिए ना, एक सारे नंबर एक एक बार दिख रहे हैं, नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इस बॉक्स इस पहली पजल में सिर्फ 22 नंबर दिए हुए हैं, ओनली 22 नंबर्स, इसलिए ये मुश्किल पजल कहा जाता है, ओके। हम लोग जो साधारण सॉल्व करते हैं उसमें कम से कम 24 नंबर होते हैं, ये एक्सपर्ट के लिए है, ओके। लेकिन इसके ज़रिए हम कुछ ट्रिक्स सीखेंगे बस, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। फिर इधर देखेंगे, वन हो गया, इधर जोड़ी में है, वन यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया। नंबर टू, नंबर टू ये ट्रेयो में है, वहाँ ये क्वार्टर में है, छोड़िए। नंबर थ्री हो गया। नंबर फोर, फोर स्पेयर में है, यहाँ भी है तो कुछ नहीं कर सकते। फाइव है नहीं, ये ट्रेयो में है, वहाँ पर भी है। सिक्स कुछ नहीं कर सकते। सेवन, सेवन के लिए ये जो जगह मिलते हैं। नंबर एट के लिए यहाँ पर ये, यहाँ जो ये ट्रेयो में है, मतलब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर एट याद रखिएगा, ये जो ट्रेयो लिखा है हमने, तो नंबर आठ इसी कॉलम में है यहाँ पर, इस कारण से इस कॉलम में कहीं भी नंबर आठ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिए, ओके। तो जब इन चीज़ों को भरने लगते हैं तो ये पॉइंट याद रखना चाहिए, ओके। तो नंबर नौ, नंबर नौ के लिए ये दो जगह मिलते हैं, ओके छोड़ दीजिए, यहाँ आते हैं, यहाँ कुछ होगा क्या। नंबर वन के लिए ये दो जगह मिलते हैं, नंबर टू के लिए ये जोड़ी में है तो वहाँ कोई चांस नहीं है। थ्री मिसिंग, फोर एक बार है, फाइव एक बार है, सिक्स एक बार है, सेवन भी एक बार, नंबर आठ एक ही बार है, अब जो लिखा है और ये जोड़ी में है। तो नंबर नौ, नंबर नौ के लिए भी ये दो जगह मिलते हैं, देखिए, ओके। यहाँ कुछ नहीं बनता, देखते हैं सिंपली, ये नंबर वन एक बार है, टू है, थ्री नहीं है, चार दो बार है, लेकिन यहाँ यहाँ डाउट। पाँच एक बार है, छः सात नहीं है, आठ और नौ एक एक बार है, ठीक है छोड़ देते हैं। तो अच्छा इस बॉक्स को देख, इसमें पांच नंबर है ना, इसको देखेंगे। और हाँ नंबर टू देखिए, नंबर टू के लिए अच्छा ऐसा देखते हैं, इसमें पांच नंबर जो है, चार नंबर कौन से चाहिए। टू थ्री फोर एंड सिक्स चाहिए, टू एंड फोर नीचे में है, तो थ्री एंड सिक्स यहाँ लिख लेते हैं, थ्री एंड सिक्स। सो टू थ्री फोर सिक्स में यहाँ नंबर थ्री इज देयर, सो टू फोर सिक्स यहाँ, यहाँ नंबर सिक्स और यहाँ सिक्स भी है, थ्री भी है, सो टू एंड फोर यहाँ, और यहाँ टू थ्री फोर सिक्स में नंबर सिक्स ही यहाँ पर है, तो टू थ्री फोर लिखना चाहिए यहाँ पर, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर सिक्स में, ओके। अब इसमें कुछ जमता नहीं, छोड़ देते हैं। सो देखिए ये सब हम हाँ इसको भी देख लेते हैं, इसमें चार नंबर है ना, इसमें कौन सा नंबर चाहिए पूरा इसको कंप्लीट करने के लिए। थ्री फाइव सिक्स सेवन एट, थ्री फाइव सिक्स सेवन एट लिख लेते हैं क्या। देखिए थ्री यहाँ है, फाइव एट वहाँ पर है, तो सिक्स एंड सेवन यहाँ, सिक्स एंड सेवन यहाँ, यहाँ देखिए थ्री फाइव सिक्स सेवन एट में थ्री लिखना चाहिए। फाइव यहाँ है, सिक्स यहाँ है, एट वहाँ है, तो थ्री एंड सेवन यहाँ लिखना चाहिए। सो इसी तरह थ्री फाइव सिक्स एंड एट में यहाँ सिर्फ नंबर तीन है, तो फाइव सिक्स सेवन एट, फाइव सिक्स सेवन एट, हाँ थ्री फाइव सिक्स सेवन एट में थ्री फाइव सिक्स सेवन एट, ओके। यहाँ भी वही फाइव सिक्स सेवन एट ही लिखना चाहिए ना, ओके लिख देते हैं फाइव सिक्स सेवन एट।
यहाँ देखिए ये आखिरी जगह नंबर 6 ही यहाँ पर अड़ता है, तो 3578। अच्छा अब मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ, ये सारे खाने जो है ऑल दिस एम्प्टी सेल्स उसको भरना है इसी तरीके में, तो इसको मैं थोड़ा टाइम लेकर के इसको भर के प्रिंट भी करवा के यहाँ चिपकाता हूँ। उस समय हम अपना बॉक्स स्ट्रेटजी मतलब रणनीति बॉक्स स्ट्रेटजी चालू करेंगे। ओके तो थोड़ा टाइम ब्रेक लेता हूँ। तो ये है वो कागज़ है वो पजल अपना जिसके ऊपर ये सारे नंबर छोटे छोटे नंबर लिख करके प्रिंट करवा के चिपकाए हैं यहाँ पर। तो अपना बॉक्स स्ट्रेटजी मतलब बॉक्स मतलब ये बॉक्स ये चौकोण यही इसका स्ट्रेटजी मतलब रणनीति, रण तो वैसे कुछ नहीं है यहाँ पर, चालू करते अपना स्ट्रेटजी चालू करेंगे। देखिए ये बॉक्स स्ट्रेटजी का मतलब फिर समझाता हूँ। देखिए मैं हम पहले इन बॉक्सों को जांच करते हैं। देखिए जैसे इस अभी यही देखिए ना इसको समझाना आसान है। देखिए ये बॉक्स नंबर 1 में 1 और 9 का जोड़ी जो बना है हमने बना लिया, तो यहाँ पर नंबर 1 यहाँ तो यहाँ होना चाहिए और कहीं जा नहीं सकता। इस कंडीशन में नंबर 1 और 9 कहीं नीचे कहीं भी नज़र आने की ज़रूरत नहीं, कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं होता तो काट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर इस कॉलम में नंबर 1 और 9 यहीं रहना है तो यहाँ भी कहीं होगा तो काट सकते हैं ना, हम अलग अलग से देखते हैं, ठीक है ना। इसी तरह यही इस बॉक्स में ये नंबर 8 यही होना चाहिए, E1 में या F1 में होना चाहिए। इसलिए जैसे हमने पहले सोचा यहाँ रिपीट नहीं किया, ऊपर तो पहले से नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक 8 है, तो यहाँ नहीं रिपीट किया, ठीक है ना। तो तरीका यही है, तो यहाँ से चालू करते हैं, थोड़ा फास्ट जाएंगे। देखिए कोई भी नंबर किसी एक रो में ये एक कॉलम में दिखेगा तो कुछ काम का होता है वो चीज़। तो यहाँ देखिए नंबर 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, नंबर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, नंबर 3 यहाँ भी है, नंबर 3 यहाँ भी है, ठीक है। तो 4, 5, 6 ये दोनों लाइन में है, 7 तीनों लाइनों में है, 8 तीनों लाइनों में है, 9 भी तीनों लाइनों में है, यहाँ कुछ काम नहीं बनता, ठीक है ना। तो वैसे भी यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, इसको तो अपने पैर देख लिया। या देखिए ना ये 3, 8 और 5 का मैं ट्रे बना लिया, तो इसकी तरफ से ये तीनों नंबर यहाँ कहीं रिपीट नहीं होंगे, यहाँ भी कहीं रिपीट नहीं होंगे, ओके ना। तो इसी तरह इसको यहाँ इसको देख लेते हैं एक बार, नंबर 3 एक ही रो में मिल रहा है, देखिए ना यहाँ पर, तो एक ही रो में मिलने की तरफ से और से वजह से यहाँ कहीं रिपीट नहीं होना चाहिए, कहीं यहाँ पर 3 होता तो उसको काट सकते हैं, ठीक है ना। 4 यहाँ है, 5, 2 इस रो में और इस रो में लिख रहा है, पता नहीं। नंबर छः देखिए एक ही रो में है यहाँ पर, तो नंबर 6 यहाँ या यहाँ यहाँ कहीं होना चाहिए इस बॉक्स में, तो यहाँ तो नहीं रह सकता है ना, यहाँ अगर कहीं होता तो काट सकते थे, तो नहीं है, छोड़ दीजिए। नंबर 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, छोड़िए। नंबर 8 भी वैसे ही 9 नंबर है यहाँ पर, तो इधर देखते हैं। नंबर 1 2 रोज में है, नंबर 2 बहुत जगह है, नंबर 3 जो है तीनों रो दो इस रो में और इस रो में मिल रहा है, छोड़िए। 4 नंबर 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, हाँ तो देखिए नंबर 4 इधर से देखते हैं तो एक ही कॉलम में मिल रहा है, अगर यहाँ कहीं रिपीट होता तो काट सकते थे, ओके ना। तो नंबर 5 देखते हैं, नंबर 5 इस रो में है, इस रो में है, वहाँ नहीं है, फ़ायदा नहीं। नंबर 6 ऑल 3 रोज में मिल रहा है, छोड़िए। नंबर सेवन एक ही रो में है, तो मतलब यहाँ कहीं हो नहीं सकता, नहीं है,
कोई काटने की ज़रूरत नहीं है, छोड़िए। नंबर 8 है, नंबर नौ यहाँ और यहाँ, यहाँ दो कॉलम में है, छोड़िए। तो यहाँ आइए, ये इसमें ये नंबर 1 है, नंबर 2 इस रो में और इस रो में है, नंबर 3 एक ही रो में मिलता है, देखिए ना। तो ये अपना पहला फाइंड है ये बॉक्स स्ट्रेटजी में। तो इसकी वजह से इस कॉलम, इस रो में कहीं और नंबर 3 दिखने की ज़रूरत नहीं है, रहने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको काट लेते हैं, नंबर 3 यहाँ है, काट लेते हैं, नंबर 3 यहाँ भी है, काट देते हैं, यहाँ भी नंबर 3 है, काट देते हैं। तो इसके बाद इस बॉक्स में नंबर 3 इसी रो में मिलता है, देखिए ना। तो पर यहाँ कहीं रिपीट नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए। तो इस बॉक्स में ये 2, 3, 4, 6 जगह अलग अलग जगह में है, छोड़ दीजिए। इसको तो देखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर अपन नेक्स्ट क्या स्टेप, रो और कॉलम जाना चाहिए, ओके। तो एक दो रो देखेंगे, ये नंबर रो ए अगर देखते हैं तो देखिए, नंबर 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, नंबर 3 यहाँ भी है, इतने देख लिया हमने। मतलब क्या मैं देख रहा हूँ, कोई भी एक नंबर एक ही बॉक्स के अंदर मिलेगा तो बाकी जगह उस बॉक्स में काट सकते हैं। तो यहाँ नंबर 3 इसी रो में, इस रो में एक ही बॉक्स में मिल रहा है नंबर 3। अगर यहाँ कहीं होता तो काट सकते थे, वहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है, छोड़ दीजिए। तो नंबर फोर यहाँ भी है और यहाँ भी है, नंबर 5 है, 6 नंबर 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, छोड़िए। 7, 8 है, 9 नंबर 9 यहाँ है और यहाँ भी है, नो यूज लिमिट, यहाँ आते हैं। तो नंबर 1 यहाँ है, यहाँ है, 2 यहाँ, ओ हर जगह है, नंबर 2 ओके, नंबर 3 है, 4 यहाँ और यहाँ साफ दिख रहा है, 5 नंबर 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ भी है, 6 नंबर 6 यहाँ, 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 ओके लीव इट, 7, 8 आर देयर, नंबर 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, छोड़िए, ओके। अगर ये बीच में नंबर नहीं होता, नंबर 9 नहीं होता तो ये एक एक्सीडेंट बन सकता था, लेकिन नंबर 9 एक यहाँ पर है ऐसे देखने से, ओके ठीक है। फिर यहाँ आते हैं, ये नंबर 1 इज देयर, 2 बहुत जगह है, नंबर 3 यहीं है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले सोचा है मैंने, छोड़ दीजिए। नंबर 4 यहाँ भी है और वहाँ भी है, 5 भी इन दोनों बॉक्सेस में है, 6 भी ऐसे ही, 7 भी, 7 यही है, ठीक है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने सोचा है, छोड़ दीजिए उसको, 8 और 9 है। तो यहाँ आते हैं तो देखिए, नंबर 3, 5, 8 के बारे में हमको मालूम है और कहीं रिपीट नहीं हुआ, नहीं भी करने की ज़रूरत नहीं, नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ नंबर 1 है, 2 नंबर 2 इस बॉक्स में, इस बॉक्स में है, नो यूज, नंबर 3 एक ही बॉक्स में है लेकिन कहीं रिपीट नहीं हुआ, इधर में भी कहीं रिपीट नहीं हुआ है। ये नंबर 3 जो है दोनों तरफ से देख रहा हूँ मैं अभी, नंबर 3 यहाँ तो यहाँ होना ही चाहिए, इस रो को देखते हैं तो यही होना चाहिए, अगर यहाँ कहीं होता तो काट सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बॉक्स में भी नंबर 3 और कहीं होता तो काट सकते थे, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पर नंबर 1 है, नंबर 2 दो बॉक्स में है, 3 है, 4 भी वैसे, 5 यहाँ भी और यहाँ भी, 6 एक ही रो में है लेकिन कहीं रिपीट नहीं है, वहाँ भी रिपीट नहीं है, यहाँ भी रिपीट नहीं हुआ, ठीक है, छोड़ दिए। 7 इज अ सेम, ओ 7 यहाँ भी और यहाँ भी, ओके। 8 हियर एंड हियर, ओके। 9 इज देयर, ओके। यहाँ भी ऐसे कुछ नहीं मिलेगा तो थोड़ा टाइम बचा लेते हैं, कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जो है हम लोग कॉलम्स को भी चेक करना चाहिए। तो इसमें जो है देखिए, विल स्टार्ट हियर, ठीक है ना। तो देखिए
यहाँ नंबर वन है, टू इस बॉक्स में है, उस बॉक्स में भी है, नंबर थ्री यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, नंबर फोर इज देयर, नंबर फाइव इस बॉक्स में और उस बॉक्स में, सिक्स हियर, सेवन देयर, एट यहाँ भी है, यहाँ भी है और वहाँ नहीं है, ठीक है ना, फायदा नहीं है, नौ भी वहाँ भी है और यहाँ भी है, छोड़िए, यहाँ आइए, नंबर वन इस बॉक्स में और उस बॉक्स में रहा है, नंबर टू यहाँ भी और वहाँ भी, नंबर थ्री ऑल्सो देर एंड हियर, नंबर फोर इज देर, नंबर पाँच इन दोनों बॉक्स मिल रहा है इस कॉलम में, नंबर छः, नंबर तीनों बॉक्स से मिल रहा है, दिखता है छोड़ कुछ, नंबर सात वहाँ और यहाँ और यहाँ, ओके, आठ यहाँ यहाँ दो बॉक्सेस में है, नौ है वहाँ पर, ओके, और यहाँ आएंगे। अच्छा, इसको देखने से पहले मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ, देखिए वो है, एक खास कॉलम है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा घर में वो एक ट्रिक दिखाने के लिए। देखिए ये कॉलम नंबर तीन देखिए ना, इसमें नंबर नौ इन्हीं दो एच थ्री और जे थ्री में ही मिलता है, ठीक है ना, इसी तरह नंबर सिक्स कॉलम नंबर सिक्स में भी यहाँ इन दोनों जगह पे भी इन दोनों जगहों पे ही मिल रहा है नंबर नौ और कहीं नहीं, मतलब ये नंबर नौ के लिए एक एक्स विंग ऐसा बन गया, ये एक चौकट रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर में नंबर नौ है, तो इसका मतलब ये आप जानते हैं, बहुत पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, यदि नंबर नौ यहाँ लिखा जाता है तो यहाँ रिपीट नहीं कर सकते, यहाँ रिपीट नहीं कर सकते, अगला नौ नंबर यहाँ होना चाहिए, यदि नंबर नौ यहाँ लिखते हैं तो यहाँ रिपीट नहीं कर सकते, यहाँ रिपीट नहीं कर सकते, सिर्फ यहीं लिखना चाहिए, मतलब नंबर नौ जो है इन चारों खानों में छोड़ के और कहीं जा नहीं सकता, है ना, तो अगर नंबर नौ यहाँ भी है यहाँ भी तो भी कहीं यहाँ रिपीट नहीं कर सकते ना, यहाँ भी रिपीट नहीं कर सकते ना, सेम वे यहाँ भी नौ यहाँ होगा या यहाँ होगा तो भी और कहीं रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब यह है कि इस रो में और इस रो में कहीं और नंबर है नौ है तो काट सकते हैं, देखिए ना यहाँ नंबर नौ हो रहना चाहिए, हो सकता है और यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं रह सकता, इसको काट लेते हैं, नंबर नौ कट गया, फिर इस रो में भी यहाँ देखिए नंबर नौ यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं रह सकता, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, और कहीं नंबर नौ नहीं है, ओके छोड़ दीजिए, अब इस बॉक्स को एक बार देखिए ना, नंबर वन टू रोज में है, नंबर टू यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, नंबर थ्री यहाँ भी और यहाँ, छोड़ दी, नंबर फोर फाइव है, सिक्स सेम थिंग, सेवन सेम थिंग, एट ऑल्सो सेम, नाइन ऑल्सो सेम, कुछ यहाँ नंबर नौ यहाँ और यहाँ है तो यहाँ कहीं रिपीट नहीं हो रहा, तो हम यहाँ थे ना यहाँ पर, देखिए अब ये नंबर नौ काटने के बाद यहाँ एक आश्चर्यजनक चीज़ होती है, वो ये कि देखिए यहाँ थ्री और सेवन, छः और सात, तीन छः सात, तो थ्री सिक्स सेवन तीनों नंबर जो है एक ट्रे बन के इन तीनों खानों में मिलते हैं, देखिए थ्री सेवन सिक्स सेवन थ्री सिक्स सेवन, इसका मतलब ये है कि ये नंबर थ्री सिक्स एंड सेवन कहीं और नज़र आएंगे इस कॉलम में, तो इसको काट सकते हैं, जैसे देखिए सिक्स वहाँ कट सकता है, सिक्स वहाँ कट सकता है और सेवन यहाँ कट सकता है, ठीक है ना, पर नहीं कर रहे हैं इस वक्त, एक और ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए इसको ध्यान, इसको याद रखिए, अभी इस्तेमाल करेंगे इसको, एक और ट्रिक इसी कॉलम में बताऊँ, देखिए ना इसको इस कॉलम में गौर से देखिए, नंबर वन यहाँ मिलता है, नंबर वन यहाँ मिलता है और नंबर नाइन भी इसी सेल में और इसी सेल में मिलता है, नंबर वन एंड नाइन
हियर एंड हियर, मतलब ये है कि नंबर वन यहाँ होगा, नंबर नाइन वहाँ होगा। अगर नंबर वन यहाँ है होता तो नंबर नाइन यहाँ मिलना चाहिए। तो और कोई जगह नहीं है वन और नाइन के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेल में और इस सेल में बाकी नंबरों के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, काट लेते हैं। तो नंबर सात यहाँ कट जाता है और यहाँ ये तीनों नंबर कट जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ट्रिक हो गया, ये बहुत ख़ास ट्रिक है। आप ये बार बार दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इस पहल को चुनने का मतलब यही है, ऐसे ट्रिकों को बताने के लिए ही, ठीक है ना। तो आगे देखिए, ये 367 जो ट्रे आपने देखा है, इसकी तरफ से 36 और 7 यहाँ काट सकते हैं ना, इसमें इस सेल में C7 में 3 काटते हैं, 6 काटते हैं और 7 काटते हैं, तो नंबर 4 यहाँ रह जाता है। दिस इज आवर फर्स्ट लक, ओके, ये इस स्ट्रेटजी में, ओके। फिर इस ये नंबर 4 लिखने के बाद यहाँ कहीं और है क्या? नहीं है, ओके। इस रो में है ना, यहाँ पर इसको काट लेते हैं, नंबर 4 यहाँ कट गया, नंबर 4 यहाँ कट गया और नंबर 4 यहाँ भी कट गया। तो इस बॉक्स में देखते हैं तो नंबर 4 के लिए एक ही एक जगह मिलता है, देखिए ये नंबर 4। तो तुरंत यहाँ आप देखेंगे तो ये नंबर 4 यहाँ, एक नंबर 4 यहाँ, यहाँ रो ए में इस बॉक्स में, दिस इज द प्लेस फॉर नंबर 4, है ना। तो यही नंबर 4 जो ऐसे भी देखने से और कहीं नहीं है, देखिए यहाँ एक और नंबर 4 थी, काट लिया मैं उसको इसकी तरफ से, ओके। तो अब देखिए ये नंबर 4 की तरफ से, यह नंबर 4 यहाँ भी लिखा है, यह नंबर 2 बन जाता है ना, फिर ये 2 और 4 यहाँ काटने से नंबर 6 रह जाता और यहाँ नंबर 3, ओके, नंबर 3 देखिए। फिर वो नंबर 3 लिखने के बाद नीचे देखते हैं तो यह नंबर 5 इसको लिखिए, यहाँ 5 बनाइए, ओके। तो ये 5 यहाँ कट सकते हैं ना, यहाँ कट सकते हैं। मैं एक सेकंड इसलिए रुक गया, ये नंबर 4 का ये अपना जासूसी पूरा किया कि नहीं देख रही, सोच रहा था मैं, ठीक है ना। तो ये 5 यहाँ कटने के बाद 3 और 8 का एक जोड़ी यहाँ रह गया, यहाँ 4 एंड 6 का जोड़ी रह गया, ओके। तो नीचे देखिए ना, ये नंबर 2 लिखने के बाद यहाँ पर ये क्या होता है, इसको यहाँ नंबर 7 लिख सकते हैं, नंबर 7 लिखते हैं, यहाँ नंबर 2, यहाँ नंबर 2, ओके। तो पहले इसको नंबर 7 को ठीक करते हैं, इस बॉक्स में नंबर 5 को ठीक करते हैं, यहाँ पर नंबर 5 को यहाँ भी कट सकता है ना, देखिए यहाँ काट लेते हैं नंबर 5। इस रो में नंबर 5 कहीं और नहीं है, ये नंबर 2 को देखते हैं, इस वक्त नंबर 2 को इस बॉक्स में और कहीं नहीं है, इस रो में पूरा काट सकते हैं ना। तो इसको यहाँ पर 2 काटने के बाद नंबर 5 बच जाता है, 2 और 5 यहाँ काटते हैं तो नंबर 8 यहाँ रह जाता है, ओके। तो ये 8 लिखते ही इसको काट सकते हैं ना, ये नंबर 8 कट जाएगा, ये 5 यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये 2 रह जाएगा, नंबर 2 कर लेते हैं, अच्छा। तो ये नंबर 2 का मामला इस स्ट्रिप में हो गया। फिर हम क्या देख रहे थे, नंबर टू का हो गया। फिर ये नंबर सेवन का भी पूरा करते हैं, ये नंबर 7 की तरफ से यहाँ पर ये नंबर 7 यहाँ काट सकते हैं ना, तो नंबर 6 यहाँ रह जाता है। तो नंबर 6 यहाँ 2 ही खाने खाली हैं इस रो एफ में, तो यहाँ चाहिए 5 और 8, तो 5 और 8 को छोड़ के बाकी काट लेते हैं 6 और 7, वैसे 6 यहाँ पर है, यहाँ भी 6 और 7 काट लेंगे, 5 और 8 का ये जोड़ी रह गया। मतलब ये 5 और 8 भी काट सकते हैं ना, ऊपर जस्ट यहाँ पर ये भी 5 और 8 कट गया बिकॉज ऑफ दिस पेयर, ओके। तो अब क्या होगा, और क्या होगा, ये नंबर 7 और ये नंबर 4, नंबर 2 नीचे हम देख सकते हैं ना, इस ऐसे देखेंगे। तो यहाँ वो नंबर 3 लिखने के बाद ये 3 कट जाता, ये 3 कट जाता, अब यहाँ 6 और 9 का ये जोड़ी रह गया,
तो ये नंबर 6 और 9 इस बॉक्स में कहीं हैं और हैं तो काट सकते हैं ना। देखिए नंबर 6 यहीं मिलता है एक, और यहाँ भी है, काट देते हैं। 9 नंबर 9 कहीं नहीं है। ओके, अब इसको देखते हैं, ये 4, 2 और 7 कहीं हैं तो काट सकते हैं ना। यहाँ पर 4 और 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 4 और 7 यहाँ है। तो अब इसमें रह गया 3, 8, 1, 5, 8, 3, 5, 8, 1, 3, 8। ओके, अब यहाँ देखते हैं, नंबर सिक्स तो हमने पहले काट दिया, नंबर 2 है नहीं। ओके, तो यहाँ कोई रिपेयर की ज़रूरत नहीं, यहाँ आएंगे। ये नंबर 5 की तरफ से यहाँ पर ये नंबर 2 रह जाता है ना, यहाँ नंबर 5 काटने से नंबर 2 विल रिमेन देयर। सो एंड ये 2 और 5 वहाँ रहने की वजह से यहाँ पर लिखने की तरफ से वो अभी नंबर रहने की वजह से यहाँ पर नंबर 9 यहाँ रह जाता है। फिर यहाँ नीचे ये नंबर 4, देखिए ये काम जो है बहुत ही केयरफुली हिफाजत से करना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूँ, कभी कभी हो भी जाता है। तो अब कहाँ पर हैं हम लोग, ये कंप्लीट हो गया, कॉलम नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब ये नंबर कॉलम नंबर 2 देखते हैं। देखिए यहाँ नंबर 4 है ना, इस 4 को यहाँ काट सकते हैं, ऊपर में नंबर 4 है, इस 4 की वजह से यहाँ पर ये नंबर 6 रह जाता है। फिर यहाँ 4 है ना, ठीक है, तो नीचे आएंगे ये 4 और 6। हाँ यहाँ 6 यहाँ काट सकते हैं। देखिए नंबर 6 यहाँ कटेगा और नंबर 2 बगल में लिखा है, तो यहाँ क्या रहेगा, नंबर फाइव यहाँ रह जाता है। तो इस बॉक्स में अब ये जगह कौन से नंबर के लिए, नंबर 6 साफ जाहिर है ना, नंबर 6। ओके, अब ये अपना शुरू का जोड़ी यहीं रहेगा, रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर आएंगे वहाँ पर। अब यहाँ देखेंगे ये नंबर 2 यहाँ काट सकते हैं ना, 4 भी है वहाँ पर, नंबर 2 और 4 यहाँ काट सकते हैं, तो यहाँ क्या रहेगा, नंबर 7, ये नंबर 7। फिर यहाँ पर नंबर 5, अच्छा आप ये नंबर 5 को यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऐसे ही ऊपर नंबर 5 लिख दिया हमने। तो यहाँ इस कॉलम में सिर्फ 2 ही खाने खाली हैं, नंबर 4 वहाँ लिखा है, तो यहाँ 8 बच जाता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 8, और ये क्लियर फॉर नंबर 2 है ना। हाँ, तो आगे क्या करेंगे। ओके, अपना तरीका जो है अब रो में रो जाएंगे ना, ये 1 और 9 का जोड़ी हमने यहाँ बना लिया था, उसका करेक्शन हमने किया नहीं। देखिए ना 1 और 9 यहाँ काट सकते हैं, नंबर 1 कट जाता है, यहाँ नंबर 9 कट जाता है, तो यहाँ 2 और 6 का जोड़ी रह गया, तो ये 2 और 6 को यहाँ पर पूरा काट सकते हैं ना। यहाँ भी वैसे 2 और 6, यहाँ भी 2 और 6 है, तो 2 और 6 यहाँ काट लेते हैं, 2 और 6 यहाँ भी, 2 और 6 यहाँ भी, 2 और 6। ओके, तो और क्या है, पर ये नंबर 5 है यहाँ पर, यहाँ नंबर 5 का भी काट सकते हैं, नंबर 5 गया, यहाँ भी नंबर 5 गया, अब यहाँ 3 और 7 का जोड़ी रह गया। ओके, यहाँ 1, 9, 1, 5, 5, 9, ठीक है। ओके, और यहाँ 1, 9, 1, 9, 2 और 6, ठीक है। ओके, फिर यहाँ इस वाला इस रो में 3 और 8 का जोड़ी, यहाँ 3 और 7 का जोड़ी, और यहाँ 5 और 8, और यहाँ कुछ बनना चाहिए ना। देखते हैं यहाँ पर मैं ये नंबर 8 को काट सकते हैं, देखिए ना नंबर 8 यहाँ कट जाता है, नंबर 8 यहाँ कटता है, नंबर 8 यहाँ भी कटता है, और नंबर 8
यहाँ भी कटता है। तो आखिर में क्या होता है, देखिए ना, इस रो जी में इन तीनों खानों में 179 का ट्रियो बन गया, है ना। 179 का ट्रियो यहाँ बन गया। 1 और 7 और 9 यहीं रह सकते हैं और कहीं नहीं रह सकते। तो यहाँ पीछे देखते हैं तो 7 नंबर की यहाँ क्या ज़रूरत है, इसको काट लेते हैं, नंबर 4 यहाँ रह जाता है, नंबर 4 वहाँ लिख लेते हैं। और ये 179 की तरफ से यहाँ भी नंबर 1 कटता है और नंबर 5 रह जाता है। देखिए ना, नंबर 5 यहाँ। तो अब क्या है, हाँ, तो इस ये ट्रयो, ये बहुत ही मुख्य ट्रयो है। ये तीनों नंबर यहाँ नीचे भी काट सकते हैं ना, 179 यहाँ नंबर 7, यहाँ नंबर 7, यहाँ 1 और 7, यहाँ 7, ओके। तो एक फिलहाल रहने देते हैं, फिर यहाँ आइए, इस रो में आइए। ये नंबर 9 जो लिखा है यहाँ पर देखते हैं तो नंबर 9 यहाँ कट के नंबर 6 रह जाता है ना, नंबर 6 देर एंड जस्ट नीचे नंबर 9। ये नंबर 6 यहाँ लिखने के बाद बगल में देखिए ना, 3 और 6 के पेयर जो है वो कट के नंबर 3 रह जाता, और ये 3 और 6 यहाँ कट के यहाँ 2 और 8 रह जाता है। और काट देते हैं, जस्ट 3 और 6 काट दिया, ओके। फिर यहाँ देखिए ना, और आगे देखते हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, काट लेते हैं। देखिए ना, नंबर 3 यहाँ कट गया, नंबर 3 यहाँ कट गया। तो ये 5, ये नंबर 3 काटने के बाद ये 5 की तरह ओर से यहाँ नंबर 8 रह जाता है ना, देखिए। और ऊपर वैसे 5 लिख दिया हमने, और 8 देयर, और ये नंबर 7, नंबर 7 एंड। अब क्या है, 2 खाने खाली हैं इस बॉक्स में, तो ये 4, 7, 8 यहाँ काटने से नंबर 3 रह जाता है ना, यहाँ पर देखे ना, नंबर 3। और ये आखिरी जगह कौन से नंबर के लिए, साफ जा रहे हैं नंबर 1 के लिए, लिख लेते हैं, हो गया। अब क्या करेंगे, ये नंबर 3 जो लिखा है ऊपर देखते तो अपना लकी ट्रयो पहले वाला जो है ना, वो इसमें नंबर 7 रह जाता है यहाँ पर, नंबर 7 यहाँ, ओके। तो नंबर 7 यहाँ लिखते हैं यहाँ पर, नंबर 3, यस नंबर 3। और क्या है, ये 1 और 9, 1 और 9 का यहाँ एक जोड़ी और बन गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, देखिए ना, ये इस रो में एक ही सेल खाली है, बाकी है 1 है, 2 नहीं है। इस रो में 2 की जरूरत, नंबर 2 चाहिए, यहाँ पर लिख लेते हैं, बाकी सब है, ओके ना। तो इस बॉक्स में ये 2 खाने, नंबर ये 2 भी काट लेते हैं यहाँ पर, नंबर 2 भी काट लिया, तो ये नंबर 3 भी काट सकते हैं यहाँ से, नंबर 3 भी काट देते हैं, 6 और 8 का जोड़ी रह गया, ओके, रहने दीजिए। फिर अब क्या करेंगे, ऐसा देखेंगे, यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ये नंबर 3 लिखने के बाद देखिए ऊपर में यहाँ पर नंबर 8 यहाँ कायम हो जाता है, फिर बगल में नंबर 3, ओके। तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब ये तीनों कॉलम्स रह गए, ओके। तो देखते हैं, अब देखिए ना, 1 और 9 वहाँ, और यहाँ नंबर 2 यहाँ लिखने के बाद ऊपर देखिए ना, नंबर 6 रह जाता है यहाँ पर, नंबर 6 को कायम करते हैं, तो 2 और 6 को कहीं काट सकते हैं। नंबर 6 यहाँ काटते हैं तो देखिए ना, यहाँ पर नंबर 8 यहाँ बच जाता है, तो नंबर 8 यहाँ लिखते ही ये रोग भर चाहे ना भर सकते हैं इसको, यहाँ नंबर 6 लिख करके, तो नंबर 6 ईयर, ओके। तो अब ऊपर देखते हैं, ये नंबर 6 लिखने के बाद बिल्कुल टॉप में देखिए ना, 2 और 6 का जोड़ी वहाँ जो थी वहाँ पर, वैसे भी अगल में 6 नंबर लिख दिया, तो नंबर 2 यहाँ, फिर क्या होता है, नंबर 6, और देखिए ना गौर से देख, ये नंबर 3 यहाँ लिखने के बाद ये C9 में नंबर 7 विल रिमेन देयर,
नंबर सेवन, नंबर सेवन ये लिखते हैं यहाँ पर, नंबर थ्री, आइए नंबर थ्री को कायम करते हैं। तो ये आठ यहाँ लिखने के बाद ये देखिए यहाँ पर नंबर पाँच आ जाता है, नंबर फाइव, द लास्ट सेल इन दिस बॉक्स इज फॉर नंबर एट, है ना। तो और आगे देखिए और क्या रहे, क्या सेवन वहाँ लिखती है ना हम लोगों ने, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ नंबर सेवन कटता है तो नंबर नाइन रह जाता है यहाँ पर, नंबर नाइन वहाँ लिखते हैं यहाँ पर नंबर वन और ये नंबर सेवन। अब क्या है और क्या रह गया, हाँ ये अपना पहला जोड़ी है, कायम है। अच्छा देखिए ये नंबर नाइन लिखा ना यहाँ पर, तो ये क्या होता है यहाँ पर इस जोड़ी को काट के नंबर फाइव लिख देते हैं। नंबर फाइव लिखने के बाद यहाँ नंबर वन रह जाता है, इस नंबर वन की वजह से ही ये हमारा पहला जोड़ी मैंने नाइन का पैर कट जाता है, यहाँ नंबर नाइन रहता है और नंबर वन यहाँ। अब ये नंबर वन लिखने के बाद नंबर नाइन यहाँ है ना, तो इज इट द लास्ट नंबर फॉर दिस पजल, आई थिंक सो। हाँ एक अगर रह भी गया तो आप भर सकते हो। हाँ भाई लोग दोस्तों देखिए ये बड़ा मुश्किल पजल थी, लेकिन इसको इसलिए मैंने चुना कि इसमें कुछ ट्रिक्स बताना चाहा तो इसलिए चुना है, तो नहीं तो मैं भी इतने मुश्किल पजल मिला तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, कोई ज़िद की ज़रूरत नहीं है। ये सुडोकू गेम जो है अपना दिमाग ख़राब करने के लिए या सर दर्द के लिए या सर फोड़ने के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर एंजॉय, इट इज़ एंजॉय। ओके सो अच्छा इसके बाद जो है अगला जो मैं पजल का वीडियो बनाने वाला हूँ उसका नक्शा मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद, वो अभी तय नहीं किया किस हिंदी में, अंग्रेज़ी में या कोई और लैंग्वेज में बनाऊंगा, वो अभी डिसाइड नहीं किया। जो भी जो कोई लैंग्वेज होगा आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि हर एक नंबर हर एक जगह में ये मेरा पॉइंट पेन पॉइंट करता है और मुँह से बोलते जाता हूँ, इसलिए आप समझ पाएंगे। इंग्लिश का भी इस्तेमाल होता है बीच बीच में, तो आप समझ जाएंगे बिल्कुल। ओके सो आज के लिए इतना काफ़ी है, ऑल द बेस्ट टू यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।